हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज कंडक्ट हुआ है जो आपका एचपी टैट नॉन मेडिकल का पेपर, उसका ये केमिस्ट्री का सेक्शन है। इससे पहले हम साइकोलॉजी और जीके का जो सेक्शन है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी नहीं देखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर अभी देख सकते हैं। अभी हम केमिस्ट्री का जो सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो आपकी फिजिक्स रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन था, विच फाइबर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो 31 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रेयन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े दिए गए थे, तो उनको मैं पढ़ूंगी नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता दूंगी और आंसर साथ में बता दूंगी, आप अपना आंसर जो है उसे मैच कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, इसका आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन बी अगेन। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर विगोरसली। 33 का आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन बी, सोडियम। तो 31, 32 और 33, इन तीनों के आपके राइट आंसर ऑप्शन बी ही थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट्स एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। तो 34 का आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन ए, फॉस्फोरस। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 35, विच मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो 35 का आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन सी, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, नेफथलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार एंड आर यूज एज। तो इसका आपका राइट आंसर होना था 36 का सी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसका आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन सी, एलपीजी। तो 35, 36, क्वेश्चन नंबर 37, इन तीनों का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होना था। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आउटर जोन। नेक्स्ट वन इज लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो लिट आपका राइट आंसर, तो 39 का आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन बी, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द एसिड प्रेजेंट इन स्पिनच इज। तो स्पिनच जो होता है उसमें आपका कौन सा एसिड पाया जाता है, इसका आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन सी, ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दे रही हूँ, क्वेश्चंस आपने खुद पढ़ लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, इसका आपका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन ए, प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 जो है इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 जो है उसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 50, इसका आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर अगेन ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 का जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जिप्सम। एंड क्वेश्चन नंबर 55 जो है इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर
एट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 जो है इसका आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन डी, बबल एट एनी टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 60 केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन था, इसका जो है वो आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन बी, ब्रोमीन। तो ये था आपका नॉन मेडिकल का केमिस्ट्री का सेक्शन। मैंने क्वेश्चंस जो है वो रीड नहीं किए हैं, आप क्वेश्चंस खुद से पढ़ सकते हैं, बाकी आप आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर के हिसाब से अपने मैच कर सकते हैं। अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हमने गलत बता दिया हो तो आप उसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट आंसर जो है वो हम पिन कर देंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।